Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former Constant rarely leaves the property. Nolan Cassady, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald, is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और आज हम ब्लैक एंड ग्रे हिटमैन का सेकंड लास्ट मिशन. तो आज हमने तीन हमारे जो हैं टास्क हैं, दो बंदों को हमने एलिमिनेट करना है, और जिनका नाम है, एक का नाम जेनस है और एक का नाम नोलैन है. तो उसके अलावा एक कोई क्लू वगैरह का है. तो हम अभी जाते हैं, ये टारगेट है हमारे. तो अब हम चलते हैं मिशन की तरफ. तीसरा हमारा टास्क ये है कि हमने कुछ क्लूज वगैरह फाइंड करने हैं. तो चलते हैं बिल्डिंग की तरफ. तो सबसे पहले यहाँ से, ये मैंने जैसे कि आपको हमारे मिशन में बताता हूँ कि जहाँ पर ग्रीन मार्क दिख रहा हो आपको, तो वहाँ पर मिशन से रिलेटेड कोई हिंट होती है. तो हम इस हिंट को सुनेंगे. तो सॉरी फॉर बैड क्वालिटी ऑफ ऑडियो, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है. Just go inside. It's open to everyone. Yeah, it's strange. The Wilsons are throwing a barbecue and. अब हम चलेंगे आगे. It sounds like Nolan Cassady. लेकिन उससे पहले ये हिंट वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ. For some reason, he's unwilling to go inside. Maybe you can help fix whatever's wrong in there, 47. तो चलते हैं अपनी दूसरी हिंट की तरफ. यहाँ पर एक ब्लू सा मार्क दिख रहा है. यहाँ से भी ये दो जो असीने हैं आपस में बातें कह रही हैं, तो इनकी बातें हम सुन लेंगे. तो ये कुछ जो क्लूज़ हैं उनके बारे में बात कर रही हैं. जो क्लूज़ हमारे आ रहे हैं, कोई ओल्ड माइक्रोफिल्म वगैरह के बारे में ये बात कर रही हैं. को माइक्रोफिल्म में शायद मेरे ख्याल से कोई राज वगैरह होंगे उसमें. और अब हमने मतलब के क्लूज में भी वो आ गया, लोकेट द माइक्रोफिल्म. तो उस माइक्रोफिल्म को भी ढूंढने हमने. लेकिन उससे पहले हम बिल्डिंग से बाहर जाएंगे, मतलब जिस घर में हम आए हैं, जिधर पार्टी हो रही है, वहाँ से चलते हैं बाहर. और यहाँ से हम कुछ चीज़ें वगैरह पिकअप कर लेंगे. जैसा कि ये सामने आपको पॉइजन नज़र आ रहा है, रेड पॉइजन, एक इसको पिक कर लेंगे. क्योंकि होता है इस गेम में कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे कि पॉइजन वगैरह पड़ा होता है, या कोई भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आए ना, तो उसे पिकअप कर लें, क्योंकि मिशन में आगे कहीं भी किसी न किसी जगह पर पॉइंट पर जाके काम आ जाती है. वो देखें, यहाँ पर भी क्लू आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे. मतलब कि यहाँ पर फ़िलहाल इधर जो मिशन से रिलेटेड कुछ है, तो हम इधर नहीं जाएंगे. यहाँ पर जो एटम वगैरह अगर कोई चीज़ पड़ी है, तो उसे हम पिकअप कर लेंगे. तो ये जैसे रेंच पड़ा था, इसको हमने पिकअप कर लिया. और अब हम चलते हैं ग्रीन मार्क की तरफ. ऑब्टेन अ प्रोपेन फ्लैशिक. और यहाँ से हम दीवार फलांग कर चले जाएंगे. और ये दो गार्ड्स कह रहे हैं शायद खड़े हुए हैं, और ये हमें पहचानते हैं, इनके पर डॉट आ रहा है. तो इनको अब हम ने जो एलिमिनेट करने,
इनके ऊपर भी ग्रीन से मार्क दिख रहे और ये डिटेक्ट हो गया गार्ड शिट। यहाँ पिस्टल लेते हैं और इन दोनों को शक हो गया और अब हम इन दोनों को ठोक डालेंगे। ये गया पहला गार्ड और ये दूसरा गया। अब इनकी बॉडी को हम कर देते हैं डंप, मतलब कि नीचे ले आते हैं ताकि कोई देख ना सके इनकी डेड बॉडी को। और ये रूम भी नहीं है, इसकी की भी नहीं है हमारे पास, तो दूसरे गार्ड की भी जो बॉडी है डेड बॉडी वगैरह उसको भी हम नीचे ले आएंगे, बल्कि झाड़ियों में डंप कर देते हैं इसे, इतने दूर जाने की ज़रूरत क्या। तो अब हम चलते हैं बिल्डिंग की दूसरी साइड पे और की से हमने किया इसे ओपन और इस बिल्डिंग में ये हमारा दूसरा जो टारगेट है वो मौजूद है, मतलब कि पहला टारगेट जो है ना वो मौजूद है। तो अब हम ये जो दो गार्ड्स आ रहे हैं इस तरफ, दोनों में से किसी एक का ध्यान अपनी तरफ करके मार के उसका जो है यूनिफॉर्म ले लेंगे। तो क्वीन फेंकते हैं इधर, ये क्वीन फेंका और देखते हैं इनमें से कौन सा कार्ड आता है, किसको अपनी मौत पे आ रही है। और ये आ गया इधर और यहाँ से पिस्टल लेते हैं और ये ठोक डालेंगे इसे, किसी और को तो शक नहीं हुआ और अब हाँ किसी को शक नहीं हुआ। अब इसकी बॉडी को ले जाते हैं अंदर और इसका यूनिफॉर्म पहन के इसकी जो है ना बॉडी इसको डंप कर देते हैं ताकि किसी को शक वगैरह ना हो या कि कोई इसकी बॉडी को देख ना सके। इसकी बॉडी को ड्रैग करते हैं और इसके अंदर कर देंगे डंप और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ से मैंने गेम की स्पीड को फास्ट कर दिए और अब हम इसको ठोक डालेंगे इस कार्ड को। और उसकी बॉडी को करते हैं डंप और अब हम आ गए हैं ऊपर और ये है वो टेप जिसके बारे में वो कह रहा था, मतलब कि माइक्रोफिल्म है जिसके बारे में वो आगे दो लेडीज बात कर रही थी। और हमारा पहला टारगेट भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, तो इनसे हमें ये पता चला था कि जो हमारा, मतलब कि ये पहला जो टारगेट है ना हमारा, ये सिगरेट पीता है और इसे जो है ना ऑक्सीजन का वो सिलेंडर वगैरह लगा हुआ है कोई इस तरह का, तो हम इसके सिलेंडर के साथ कोई ऐसी मैकेनिकी कर देंगे कि जब ये सिगरेट वगैरह पिएगा तो वो सिलेंडर फट जाए। तो अब हम अपने टारगेट के ऊपर इस रूम में आने का वेट करेंगे कि वो जैसे ही सिगरेट वगैरह मतलब कि पिए तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो फट जाए। तो फाइनली हमारा टारगेट ऊपर आ चुका है, ये बुड्ढा है, ये साला बुड्ढा है जिसको हमने एलिमिनेट करना है, साला टर्की सिगरेटों का टर्की। और इसके पीछे जो इसका बॉडी गार्ड है साला, उसने जो है हमें देखा हुआ है, मतलब कि उसके ऊपर डॉट बना आ रहा हुआ है तो देखा हुआ है इसने हमें। तो अब हम अपने टारगेट के इस रूम के अंदर जाने का जो है वेट करेंगे। तो फाइनली हमारा टारगेट आ चुका है अपने, मतलब कि जैसे जगह पे एलिमिनेट होना है उसने। और ये इसने सिगरेट लगाई क्योंकि पास जो है इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा है और
ये आया उसके पास और ये फटा सिलेंडर हमारा टारगेट हो गया। नेट काफी जबरदस्त नेट था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये नेट। तो अब हम जल्दी से इस बिल्डिंग से होते हैं एग्जिट और चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो चलते हैं अपने टारगेट और बिल्डिंग से हम हो चुके हैं एग्जिट, बाहर आ चुके हैं बिल्डिंग से। शुक्र है हमें देखा भी किसी ने नहीं। तो यहाँ से मैंने गेम की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। यहाँ पर दो गार्ड्स मौजूद हैं और दोनों ने हमें देखा और दोनों काम करते हैं एलिमिनेट। और इनका यूनिफॉर्म पहन लेंगे और बॉडीज को कर देंगे डंप। अच्छा अब हमने एक बंदे को एलिमिनेट करना है, उसके अलावा क्लू एक ढूंढ लिया हमने और दो क्लू जो है ना हमने ढूंढने हैं। तो यहाँ से जो रेंच हमने फेंका था उसे पिकअप करेंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्लू की तरफ। तो यहाँ से हमने अपने दूसरे क्लू के बारे में कोई इन्फो वगैरह लेनी है। फर्स्ट क्लू में तो जो हमने टेप है माइक्रोफिल्म से पिकअप किया था, तो अब सेकंड क्लू की बारी है। अच्छा अब हमने लुक एट द रोप, कोई रस्सी वगैरह है उसको भी देखने। तो देखते हैं उस रस्सी को। ये रूम लॉक है और इसमें जाने का रास्ता शायद इस बिल्डिंग के बाहर से। तो शायद ये पाइप, हाँ इस पाइप से रास्ता जाता है इस रूम में। तो उस रूम की तरफ चलेंगे हम। रूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अपने क्लू को देखते हैं। यहाँ पर रोप में सूट एक मौजूद है, इस सूट को पहनेंगे। हाँ अच्छा ये सूट का नाम था रोप। ठीक ठीक ठीक, आर्ट सोसाइटी का कि कोई इस तरह का कोई सूट नहीं है लॉ वाला, जिस तरह का यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते सूट, जिस तरह के जज वगैरह के अदालतों में जो सूट होते हैं उस टाइप का सूट है ये। तो अब हम दोबारा अपना जो पुराना सूट है उसको पहनेंगे और स्पेनिंग से निकलते हैं बाहर। और अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से भी हमें कोई क्लू वगैरह हो सकता है मिले, लेकिन उससे पहले हमें दूसरे ग्रीन मार्क की तरफ जाना है। और हिंट से पता हमें यह चला कि जो हमारा दूसरा टारगेट है वो शायद कोई अपने लिए कोई घर वगैरह ख़रीदना चाहता है किसी प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए। तो वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो ये है, ये जो सामने हमारे ग्रीन कपड़ों में खड़ा हुआ है। तो हम अब इस तरह करेंगे कि इसको एलिमिनेट करके इसके कपड़े पहन के तो हम जो है ना प्रॉपर्टी डीलर बन के जाएंगे और अपने जो है दूसरा टारगेट इसको एलिमिनेट करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो यहाँ से इस टेप को करते हैं ऑन और ये आया जो मतलब कि पफन वाला बंदा है, केक वगैरह जो देते हैं। ये आया बंदा और इसको एलिमिनेट करेंगे, इसके जो कपड़े वगैरह हैं वो हम पहन लेंगे।
तो फाइनली इसके कपड़े पहनने के बाद अब हम उठते हैं और चलते हैं। और ये बंदा शायद केक खा रहा है, और उसके केक में जो है ना हमने पफन जो है इसमें पॉइजन वगैरह जैसा कुछ मिलाने। और अब हम इसके पफन में ये पॉइजन मिलाएंगे। अब ये खाएगा पफन और इसका काम होगा तमाम। यहाँ से हम स्क्रीन को करेंगे सिलेक्ट और क्वीन को फेंकेंगे उधर, ताकि ये लेडी जो है क्वीन की तरफ आए। नहीं, लेकिन ये तो वही बंदा जो है क्वीन की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, लेडी क्वीन की तरफ आई है। और अब हम इसको करेंगे एलिमिनेट, लेकिन उससे पहले वेट करेंगे ये किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर इसको कोई देख ना सके और हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर सके। चलते हैं इस बंदे की तरफ, मतलब कि ये प्रॉपर्टी डीलर जो है इसके पीछे चलते हैं। और मौका देखते ही हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। और ये जगह शायद अच्छी है इसको मारने के लिए। ये मार गया ये, मतलब कि बेहोश हुआ है। और अब इसकी बॉडी को करते हैं यहाँ पर डंप, और उसके कपड़े हम पहन लेंगे। और ये मार के आई। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टारगेट की तरफ, नालान की तरफ। और ये है हमारा दूसरा टारगेट। ये कोई घर वगैरह खरीदना चाहता है, तो हमने इसे वो घर वगैरह दिखाना। ओ, हम वो घर की जो कीज़ है वो तो लाना भूल ही गए, वो जहाँ पर हमने मतलब कि इस प्रॉपर्टी डीलर को जहाँ पर हमने एलिमिनेट किया था ना, वहाँ पर उस घर की कीज़ पड़ी होंगी जिसको खरीदना चाहता है हमारा टारगेट। ये हमने पिकअप कर ली है कीज़, और अब हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। तो वो जा रहा है हमारा टारगेट, आपको नज़र तो आ रहा होगा रेड सा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर के बाहर, जो हमारे टारगेट ने देखने हैं। और इसको करते हैं ओपन, और इस टीवी को करते हैं ऑन, और उस पर देखते हैं मूवी बैठ के हम, कभी खुशी कभी गम। यार थोड़ी कॉमेडी भी होनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल बंदा गेम खेल खेल बोर हो जाता है। सॉरी फॉर बैड कॉमेडी। तो हम बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं, और ये टारगेट भी हमारा आ चुका है। और अब हम यहाँ से अनलॉक ये स्कार्ड को पिक करेंगे। और ये कोई रूम है, कोई सिक्योरिटी वाला रूम है, मतलब कि जहाँ पर पैसा पैसा वगैरह रखा जाता है। यहाँ पर लेज़र्स वगैरह भी काफ़ी लगी हुई हैं, तो अब हम इसको करेंगे डिसेबल। और ये हमारा टारगेट जाएगा इसके अंदर, और उसके बाद इसका काम हो जाएगा तमाम। इससे पहले ये जायज़ा वगैरह ले रहे हैं इसका, कि मतलब कि इस घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसा है, क्या कोड वगैरह। इसके अंदर जाने का वेट करते हैं। So you're looking to sell this for how much was it again? 1.1? Sounds about right. I suppose that's not unreasonable.
और ये गया हमारा टारगेट अंदर, और यहाँ से अब हम लेजर्स को कर देंगे अनेबल सिक्योरिटी सिस्टम में। और ये हुआ धमाका, और यह टारगेट हमारा हुआ भाई, बड़ा ज़बरदस्त खेल था। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्लू की तरफ, जो तीसरा टास्क है हमारा, और उसके फाइनल क्लू की तरफ चलते हैं। डेड बॉडी भी फाउंड हो चुकी है हमारे टारगेट की। तो क्लू की तरफ चलते हैं अपने, और यहाँ से छुप के हमें इनकी बातें सुननी होंगी। इनके पर भी डॉट बना रहे हैं, इन्होंने भी देखा होगा हमें सरों ने। यहाँ से भी कोई इन्फो वगैरह ये ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी कोई सर्विलेंस टेप वगैरह से हमने देखना है कि वो कहाँ पर मौजूद है। और ये हम सर्विलेंस टेप की लोकेशन पर जा पहुँचे हैं। यहाँ से जनरेटर को करेंगे ऑन, और एक गार्ड आएगा बाहर, और उसकी यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे हम अंदर। ये देखे ऐसे शक हुआ है कुछ, और ये गार्ड है बाहर, इसको भी ठोकेंगे हम इस गार्ड को, इधर रेंच से इसके सर पे मारेंगे। ये एक जगह स्टिल रुक नहीं रहा, ये गया गार्ड। अब इसकी यूनिफॉर्म लेते हैं, सबसे पहले इसकी बॉडी को ले जाएंगे डंप वाली लोकेशन पे। यहाँ से इसकी यूनिफॉर्म पहनते हैं और इसकी बॉडी को करते हैं डंप। और अब इसकी जो राइफल वगैरह है, जो गन इसने उठाई थी, उसे पिकअप करेंगे, रेंच को भी करेंगे पिक। ये बढ़िया इसकी राइफल। और अब हम चलते हैं अंदर और सर्विलेंस टेप को जो है पिकअप करेंगे। ये सामने जो है ये सर्विलेंस टेप पड़ी है, इसको भी पिकअप कर लिया। और अच्छा रिव्यू, अब रिव्यू लेना है, मतलब कि देखना है सर्विलेंस टेप को। तो ये हम वहाँ पर ही आ चुके हैं जहाँ पर हमने उन बंदों की बातें सुनी थी, और यहाँ से जाना है, ऊपर जाना है हमें। अंदर चले गए, और अब हमने रॉब देखनी है, रस्सी सी कहीं लटक रही होगी। अच्छा तो ये कोई मतलब कि VCR टाइप का इसमें सिस्टम सा पड़ा है, यहाँ पर हमने स्टेप को सुनने। Thank you.
उस टेप काफी लंबी है। तो मिशन की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलते हैं एग्जिट की तरफ। This at least gives us a clear lead on the Constant. We can expect to find him at the annual gathering of the Ark Society in November. It should be enough. Excellent, 47. यहाँ से नीचे उतरेंगे और ताकि हमें कोई चुप कर जाएंगे ताकि हमें कोई देख न सके। Just the sort of thing we're looking for. Good work, 47. यहाँ से चलते हैं भाई और ये पहुँचने वाले हैं हम एग्जिट की तरफ। और ये आ गया एग्जिट। यहाँ से फाइनली हमें एग्जिट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर